मैं कहता हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा, और आपने देखा होगा तो इस तरीके से आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे। देखिए, जब आप पंकज त्रिपाठी जी की आवाज निकालते हैं ना, तो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रॉबर्ट सरनेत और मेरे डेट चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डेट चैनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर व्यूज़ नहीं आते हैं, आपको पता है। वैसे ये वीडियो बनाने का मकसद व्यूज़ पाना नहीं है, ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकूँ। कई बार जब वो वीडियोज़ मांगते हैं मिमिक्री के और मेरे पास वीडियोज़ नहीं होते हैं, ठीक है, तो मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और वैसे तो मैं 100+ वॉइस निकाल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ 50-50 के आसपास आवाज़ें निकालूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो वीडियो में बने रहिए, आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सनी देओल साहब से, और ये एक कन्वर्सेशन होगा जो डैनी साहब हैं और सनी देओल, ठीक है। काशीनाथ, हमारे यहाँ काम करोगे तो लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। किसी भी डायलॉग्स को ज्यादा खींचने वाला नहीं हूं क्योंकि बोरिंग होने लगेगा। चलिए मैं आपको नाना पाटेकर की आवाज सुनाता हूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऊंची दुकान फीकी पकवान, फिर भी मेरा देश महान। ए, ये मेरा भाई मुझे अभी लटकाएगा, आंखें बाहर आएंगी, जुबाने से बाहर आएगी। थोड़ी देर तक लटकता रहूंगा, आप लोग जाओगे चर्चा करते, घर जाओगे सो जाओगे। अच्छा है। क्या बात है। ये नाना पाटेकर की आवाज थी, अब मैं आपको अजय देवगन साहब की आवाज सुनाऊंगा। अरे वाह, अट्ठाबाजी सटकली। ये भी एक कन्वर्सेशनल कर देते हैं, इसमें जयकांत सिकरे को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये चीटिंग 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 करता है तू, चीटिंग करता है, मार दे काट दे, बिरयानी बना के खा ले, हलवा है। अरे वाह, तुझे क्या लगा था बाबुली सा इंस्पेक्टर है, चराव का डर जाएगा। तेरी पतलून गीली कर दूंगा मैं अभी के अभी, ये गांव मेरा है, बेस गांव का जयकार सीकरे। तो ये दमदार आवाज, जब ये भारी भरकम आवाज में बात करते हैं या इमोशनल होते हैं तो कैसे होते हैं? पूछे जा रहे तो मेरी बाबी मेरा इंतजार कर रही है, पूछे जा रहे तो, पूछे जा रहे तो, इस तरीके से इमोशनल होते हैं। और नॉर्मल कैसे? दारे दारे भाई केसर का दम, बोलो छुपा केसरी, ऐसे। अब आते हैं अमिताभ बच्चन जी की आवाज पर। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि भारी भरकम आवाज तो मेरी सूर्यवंशम में थी, और उससे भी बदतमीज है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। तो इस तरीके से आवाज है उनकी। और उसके बाद हम आते हैं सैफ अली खान की आवाज पर। वाव यार वाव, अमेजिंग, क्या बात है। और मेरा एक बहुत ज्यादा फेवरेट है, और मैं उन्हीं की वजह से आज जाना जाता हूँ, जूनियर योगी जी के नाम से मैं जाना जाता हूँ आजकल। आपने मेरा नया चैनल भी विजिट किया होगा। और योगी आदित्यनाथ की आवाज में कैसे निकालता हूँ? देखिए, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिए, और आपको ये बतलाना चाहता हूँ। ये तो नॉर्मल सी आवाज़ है जब बात करते हैं, तो जब इंटरव्यूज़ में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसे करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये लखनऊ है, इस तरीके से बहुत ही सौम्य और शांत तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब स्टेज पर होते हैं वहाँ पर उनके डायलॉग्स कैसे होते हैं? देखिए, लोग कहते थे राम मंदिर पर फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता हूं जी, एक मच्छर भी नहीं मरेगा, और आपने देखा होगा तो इस तरीके से वहां पर स्टेज पर वो बोलते हैं। लालू यादव जी कैसे बोलते हैं? ए पगला, 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़। अरे मोदी जी, जरा धीरे बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा, इस तरह से लालू यादव बोलते हैं। और अब मैं आपको अमरीश पुरी और राखी गुलजार का एक कन्वर्सेशन सुनाऊंगा, आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा, ठीक है, ऐसे है वो। अरे भाई, ओए ओए, अरे बुढ़िया, मरे हुए वापस नहीं आते। मेरे बेटे आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती की छाती फाड़ के आएंगे। दुर्जन एक माँ की गोद को सुनी करके अपने औलाद की भीख मांग रहा है, मेरे बेटे आएंगे। तो ये राखे गुलजार की आवाज थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, ठंडे पानी से नहाएगा क्या, नहाएगा क्या।
अभी मैं आपको सुनाता हूँ गुलशन ग्रोवर की आवाज। बैटमैन, बैटमैन की राइट बातें सबके भेजे में नहीं जाती, गन्ना चूस के। सलमान खान। अरे वाह क्या बात है, और आप सभी से कहना चाहता हूँ अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो आपको डिबेट में कोई नहीं हरा पाएगा, ये गारंटी है मेरी। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। शाहरुख खान। ए चुन्नी लाल, मेरी बात को ध्यान से सुनना। और वैसे भी अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। यह इस तरीके से शाहरुख खान की आवाज है। अब आप ये गेस कीजिएगा ये किस कार्टून की आवाज है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चली हवा चली शहर के यार पार, तुम जानो मैं जानो तुम ना मानो हार। हेलो वीवीएस, कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है कि डायलॉग्स में कुछ ना कुछ गलतियां हो रही होंगी, ठीक है, जिसको माइंड मत करिएगा, आवाज पर फोकस कीजिएगा। अब आते हैं मोटू पतलू की तरफ। मोटू, ओहो समोसे। ये मोटू की आवाज है, ऐसे बोलते हैं। ओहो मोटू, अरे वाह बड़े भैया, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ओहो हो, अरे वाह मोटू, समोसे खाओ शुरू हो जाओ। ये पतलू की आवाज। आये चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। ये होता है चिंगम की आवाज। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस में आप सभी को पता है कि बॉलीवुड के ही एक्टर्स टाइप की डबिंग होती है, हालांकि बॉलीवुड एक्टर्स ही डब नहीं करते हैं, वॉइस आर्टिस्ट ही डब करते हैं, लेकिन कैसे आवाज आती है? अरे भैया देखो ना, ये कॉकरोचेज मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे भैया कोई तो रोक लो। ओए ऑगी, तू मेरा भाई है, तुझे ये कॉकरोचेज कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जैक की आवाज थी। और कॉकरोचेस में आई थिंक परेश रावल और अक्षय कुमार इन लोग की आवाज आती है। ये रे बाबा मैं तो बौखला गया रे बाबा। अरे वाह बाबू भैया, अभी तो गेम शुरू हुआ है, देखते रहना देखते रहना। इस तरीके से आवाज आती है। चलिए अभी मैं अक्षय कुमार की आवाज सुनाता हूँ। हाय गाइस, दिस इज खिलाड़ी अक्षय कुमार, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ए बाबू ये समझ रहे हो? इस तरह से है। उसके बाद मैं आपको आवाज सुनाता हूं पंकज त्रिपाठी जी की आवाज। देखिए जब आप पंकज त्रिपाठी जी की आवाज निकालते हैं ना तो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। सबसे पहले गलती ये करते हैं, या वैसे जो करते हैं इसका मतलब ये है कि मैं सुरती खाता हूं, मजाक बना के रखा है आपने। देखिए मैं कई बार बहुत ज्यादा प्रसन्न भी रहता हूं, ठीक है ना, और मैं तो यही कहता हूं हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होना चाहिए। आपकी लाइफ कैसी चल रही है ये आप बेहतर समझते हैं। ये पंकज त्रिपाठी जी की आवाज़ थी। अब इसी के साथ मैं ट्राई करने वाला हूँ सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़, देखिए ये आपको कैसी लगती है। सर हम सोच रहे थे कि सर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, रोज खड़गपुर स्टेशन पर टिकट बेचते हैं। माफ़ कीजिएगा मेरा डायलॉग गलत हो रहा है, लेकिन कभी कभी तो मन करता है थकार के घर लौट जाऊं, फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। पता नहीं सर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे होगा। बहुत दिनों से मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी पे फोकस्ड हूं, तो बहुत सारी आवाजें मुझे ऐसा लग रहा है कि अप टू मार्क मैं नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। फिर भी राजकुमार जी की आवाज, राजकुमार कैसे बोलते हैं? यानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, ये बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। टाइगर श्रॉफ कैसे बोलते हैं? चपेरे पर आती है तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन चपेरे भाई पर आती है तो मैं फोड़ देता हूँ। इस तरीके से टाइगर श्रॉफ की आवाज आती है। ऋतिक रोशन कैसे बोलते हैं, खास करके क्रिश मूवी में, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना होता, माँ कहती है पाप करने वाले को ही सजा मिलती है और मैंने तो कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी कैसे बोलते हैं? मित्रों भाइयों बहनों, स्टेज पर बैठे सभी लोग, माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कोरोना फिर आएगा और आप सभी की वोट लगाएगा, और इसलिए अजी मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा कर निकल पड़ूंगा जी। इस तरीके से राहुल गांधी जी कैसे बोलते हैं? देखिए भैया, देखिए ये सूट बूट की सरकार है, आजकल मैं
भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत जुड़े ना जुड़े ये कांग्रेस पार्टी जरूर टूट जाएगी। इस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके भाई वो लोग कैसे बोलते हैं उनका एक एक्सेंट में ट्राई करता हूं। एक मर्तबा मेरी बात ध्यान से सुन लो, लोग कह रहे मोदी आएगा, कौन मोदी, काय का मोदी, एक मर्तबा हैदराबाद में आजा बता देंगे कौन मोदी किसका मोदी। इस तरीके से एंगर भरा डायलॉग है उनका। दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं डायलॉग्स को एडिटिंग के टाइम पे और शॉर्ट करूँगा, और अभी बहुत सारी आवाज़ें रह गई हैं सुनाने को, तो किसी नेक्स्ट वीडियो को बनाऊँगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो तभी बनेगी जब आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगली बार मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।